ना, ये देखो यहाँ पे कीड़ा लग गया इसको। ये प्लांट्स सारे ख़राब हो रहे हैं, देख रहे हो कीड़ा लग गया पूरा। तो सारे प्लांट्स पे भी नहीं लगा है, कुछ प्लांट्स मेरे बच गए हैं, जैसे ये है बहुत अच्छा बड़ा है, एंड मनी प्लांट मेरा ये हो गया, ये भी ठीक है। और ये जो एक जैसे प्लांट्स हैं इन पे सबसे ज़्यादा कीड़ा लगा है, पता नहीं क्यों। ये सारा अभी हमने ये वाली एक जो पेस्टिसाइड स्प्रे होती है ये डाली है हमने इस पर। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, हाउ आर यू गाइस? आप बताओ कैसे चल रहा है। मैं हमेशा अपने बारे में बताती हूँ, बट आज आप बताओ आप कैसे, आपका कैसे चल रहा है। सो यस, और मुझे कमेंट्स करके बताओ क्या 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 चल रहा है। मुंबई का वेदर फिर से वही गर्मी वाला होने लग गया है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग गई है। 3-4 दिन हो गए आज तो, कितने, हाँ 5 दिन हो गए आज, कोई बारिश नहीं कुछ नहीं, और धूप निकल रही है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने लग गई है। सो यस गाइस, एंड आज है संडे, और संडे के दिन सब कुछ बहुत लेज़ी 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 चलता है, बिकॉज करण का स्कूल नहीं होता है, विक्रम का ऑफिस नहीं होता है, तो चीज़ें काफ़ी लेट तक हम उठते हैं, लेट ब्रेकफास्ट करते हैं। बट आज हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, आज हम डायरेक्टली लंच किया हमने, तो दाल आलू सब्जी ये सब हमने खाया था लंच में, जस्ट अभी हमने लंच करके हटे हैं। और मैं अभी दोपहर के टाइम पर ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया। तो गाइस, आज है मंडे एंड आज कृष्ण जन्माष्टमी, सो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। बट आज ये जो व्लॉग है ना, ये बहुत लेट जाने वाला है, क्योंकि अभी मेरे बहुत सारे व्लॉग्स पेंडिंग हैं जो करण के बर्थडे वाला है। सो पीछे आप मेरा वार्डरोब खुला देख रहे हो, जो कि बहुत ही बुरी हालत में है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में, जिसको अभी मैं सेट करने वाली हूँ, क्योंकि कर रही हूँ अपनी पैकिंग। तो ये सब आप देख रहे हो, पूरा मैंने फैला के रखा हुआ है, उसी सब चीज़ों की मैं पैकिंग कर रही हूँ, और काफ़ी चीज़ें हैं तो जो लेके जानी है मैं साथ में। एंड समझ नहीं आ रहा अभी मेरे को ना, समझ नहीं आ रहा मैं क्या लेके जाऊँ क्या नहीं लेके जाऊँ, सब ऐसे फैला पड़ा है। और हम लोग थोड़ा सा आज इस बार अवॉइड कर रहे हैं कि हम बड़ा सूटकेस ना लेके जाएं। मोस्टली क्या होता है कि हमें बड़ा, मेरे पास एक बड़ा सूटकेस है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और वो मैं हमेशा लेके जाती हूँ, बट वो उसको ना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ से एयरपोर्ट तक हम ले जाते हैं, एयरपोर्ट में आगे भी चला जाता है, बट द प्रॉब्लम इज जब हम आगे कैब लेके या गाड़ी भी आती तो भी उस सूटकेस को रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस बार मैं लेके जा रही हूँ बहुत ही मीडियम सा सूटकेस, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा है। तो ये मैंने काफ़ी हमारे पास काफ़ी पुराना सूट केस है, तो मैं लेके जा रही हूँ, खैर कपड़े ही तो रखने हैं। सो ये मेरे वाले वही वाले सूट्स हैं जो मैं पैक कर रही हूँ, जो रिसेंटली मैंने आपके साथ अमेजोन हॉल में शेयर किए थे, बहुत ही अच्छे सूट्स हैं, बहुत ही अच्छी कुर्तीज़ है, अभी मैंने स्टेकर्स में निकाले थे, उनको मैं साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है गर्मियों के लिए स्पेशली, ये मतलब बहुत ही कंफर्टेबल रहने वाले हैं इसलिए। हे गाइस, सो आई एम सो टायर्ड नाउ, एंड अभी मैं थोड़ा सा, मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था, तो अभी फिर से मैं पैकिंग को लगने लगी हूँ, क्योंकि मेरा जो मेकअप का है सामान, वो मुझे काफ़ी लेके जाना होता है, मतलब मेकअप, मतलब वीडियोस के अकॉर्डिंग मुझे मेकअप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होता है। तो अभी मेरी ये जो दो पाउच है ना, ये हो गए रेडी, इसके अंदर है मेकअप, फाउंडेशन, प्राइमर्स, देन कॉम्पैक्ट पाउडर, आई थिंक येस कॉम्पैक्ट पाउडर, देन आई लाइनर, ब्लश, कॉन्टोर, ये सब मैंने डाल दिया, कंसीलर डाल दिया, मेकअप सेटिंग स्प्रे भी आई थिंक, नहीं वो मैंने निकाल दी, तो वो मैं सोच रही हूँ एक नया ऑर्डर कर लूँगी, वहाँ पे मस्कारा डाल दिया, लिपस्टिक्स डाल दी, तो मोटा मोटा मैंने काफ़ी सारा सामान डाल दिया इसके अंदर। घंटे से एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया, क्योंकि हमारी टैक्सी अभी तक नहीं है, क्योंकि इतनी अभी लिटरली दिल्ली में बारिश हुई है ना, तो उसके बाद टैक्सियाँ नहीं आ पा रही है, एयरपोर्ट में एंट्री नहीं मिल रही है, सो वी आर वेटिंग। और हम लोग बहुत देर हो गई, मतलब आधा पौना घंटा हो गया हम वेट कर रहे हैं, और कनन को तो थक गई, कनन बोल रही है मैं बहुत थक गई हूँ, तो अभी बस वही हम लोग वेट कर रहे हैं। ओके, विक्रम बोला मुझे भी दिखा दो कि विक्रम भी साथ में आए हैं।
सो गाइस अभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज हम काफ़ी टाइम के बाद एक घर से बाहर निकले हैं, वही लॉकडाउन घर में थोड़ा बाहर गए आगे, तो फाइनली हम लोग एक वेकेशन मोड में आए हैं। तो वेकेशन के लिए हम आए हैं घर पे, तो हम जा रहे हैं उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड हमारा होम टाउन है, यानी मेरा ससुराल, विक्रम का घर, विक्रम का होम टाउन। तो फिलहाल अभी हम नए वाले घर में जाने वाले हैं, बट आने वाले ब्लॉग में आपको पुराना घर जो हमारा फार्म हाउस है सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस वेट कर रहे हैं कि कब तक टैक्सी आ जाए और तब हम लोग जाएंगे। फाइनली वी गॉट द हल्दीराम, और एक हल्दीराम बहुत हाईवे से उतर के हमें एक फाइनली हल्दीराम मिल गया है, और काफ़ी टाइम के बाद हम लोग खाने वाले हैं हल्दीराम के छोले भटूरे, आई होप हमें मिल जाए। सो फाइनली योर छोला भटूरा इज हियर। मतलब अगर बोलते ना जिस चीज़ को शिद्दत से चाहो वो चीज़ पूरी कायनात उसको मिला देती, वट एवर इट इज़। तो ये देखो बहुत मन था, पूरे दिल से मैंने ट्राई किया और फाइनली आई गॉट। तो फाइनली वी गॉट द छोला भटूरा, बिकॉज इतना मन कर रहा था लिटरली दिल्ली आके ये चीज़, मतलब अभी तो जब लिटरली बोला ना कि छोला भटूरा लिटरली, मतलब मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा। तो फाइनली वी गॉट द 3 प्लेट, अपनी अपनी प्लेट इन्जॉय करो, कोई शेयर नहीं कर रहा, कोई किसी को अपना अपना नहीं दे रहा है। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि उसके बाद मैंने आगे वीडियो कैप्चर नहीं की, तो अभी मैं वीडियो को ना यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि कल से मैं नए और फ्रेश वॉक्स लेके आऊँगी और अभी बहुत ज़्यादा थकान होगी। जस्ट आके हम नहाए हैं एंड आगे मैं तो आधा घंटा सो गई थी, तो चाय बन रही थी, मैं आगे सो गई थी, बट अभी मैं जा रही हूँ बाहर, सब लोग बैठे हैं। सो यस गाइस, ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, ये छोटा सा मैंने ट्रैवल ब्लॉग किया था। सो यस गाइस, आइए था मेरा आज का वीडियो एंड आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे दैन उसको लाइक ज़रूर कर दें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे बहुत इंटरेस्टिंग से ब्लॉग्स मैं लेके आने वाली हूँ, और कल से एक फ्रेश ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, नई वीडियोज़ आएंगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। टिल देन बाय।